ये देखिए मेरा किचन, राती को मैं पूरा साफ सफाई करके सोती हूँ और सुबह उठ के देखो कितना अच्छा लग रहा किचन, पूरा सफा। एक एक बर्तन नहीं है, सिंक में एक बर्तन नहीं है। और राती को मैं साफ सुफ करके और सुबह उठो तो किचन देखो तो बहुत अच्छा लगता है पूरा। अब चाय बनाइए, अभी उठ के चाय पी ली है, लाल चाय रखी है गिलास में। मौसम तो ठंडा, फिर बारिश आने वाली शायद, दिखाती हूँ फिर बारिश आने वाली है। पूरा साफ सफाई करके मेरा किचन, हेलो दोस्तों, उठ के कैसे आनंद हो? आता है पहले सुबह किचन को सुबह उठते देखकर। ही मैं आपको किचन दिखा रही हूँ और ये दूध उबल रहा। और कैसे हो आप लोग? सब लोग आशा करती हैं आप अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी होंगी। देखो मैं अभी यहाँ पर मसाले पीस रही हूँ। ये धनिया पाउडर मैंने पीस लिया है, उबल गया अभी थोड़ी में। मैं सोची आज मैं मक्खन निकालूंगी मलाई का, पहले मैं इनको ऑफिस भेज देती हूँ रोटी बना के, रोटी वोटी खिला के ये ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद मैं आराम से अपने घर का काम करूँगी। घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, आपको पता ही है। चलो इनको मैं नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे को अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो ये हम फिर आगे मलाई दिखा रही मैं आपको। ये काफ़ी मलाई है, 8-9 दिन की मलाई है। मैं इसमें अभी मक्खन बनाऊँगी, मक्खन निकालूँगी। ये मक्खन निकल गया, देखो कितना अच्छा मक्खन निकला है मेरा। ये 9-10 दिन का होगा मलाई। तो अभी देखो, घर का घी बहुत अच्छा लगता है ना। तो मक्खन निकल गया घर का, अब इसका घी बन जाएगा। और जो इसमें ये दही निकला है, इसका मैं कढ़ी बना लूँगी। कढ़ी चावल हम लोग झोई भात कहते हैं, बस कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें मैं इसको डाल दूँगी अब। और ऐसे ही हिलाते रहना है इसको। थोड़ी देर में मेरा घी बन के तैयार हो जाएगा। आज मौसम काफ़ी दिनों से अच्छा है, तो मैंने आज थोड़े कम्बल वम्बल सब धुलाई कर दिए। अप्रैल से यहाँ बारिश लगी हुई है, अब जाके यहाँ 2-3 दिन से थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है। मेरा घी भी रेडी हो गया और थोड़ा बाहर को भी मैं आपको दिखाते रहती हूँ, बाहर भी दिखा रही हूँ। और स्वेटर तो मैं पहनती हूँ, हल्का सा, एक हल्का स्वेटर तो यहाँ पहनना ही पड़ता है, नहीं तो हाथ पाँव में थोड़ा दर्द हो जाती है। मेरा घी निकल के तैयार हो गया। देखो ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मम्मी इसी में घी भर के मुझे देती थी। देखो पहले की पार्टियाँ कितनी अच्छी होती थी, छोटी छोटी, एक एक किलो वाली है, तो मेरी मम्मी इसी में घी भर के देती थी। बहुत याद है मम्मी की। मम्मी पापा तो अभी हैं नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी की याद, पापा की याद दिला देती हैं। दिल भर जाता है इनको देखकर, देखो कितना अच्छा लग रहा। अब मैं ये घी को इस बाल्टी में भर दूँगी। तो मैं, मेरा टाइटल भी ये था कि मेरी मम्मी की यादें। अब थोड़ा बारिश कम हो गई है, दिखाती है आपको बाहर का मौसम। देखो बहुत अच्छी धूप आई, मैं खिड़की से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम हुआ है बाहर। अब इसलिए मैं सोची आज थोड़ा सा अपना डाइनिंग रूम को साफ कर दूँ, क्लीन कर देती हूँ, पूरा निकाल रखा है। चेयर ये सब धो धा दिए मैंने, कर दिया। किचन भी थोड़ा पड़ा है, किचन को अभी पूरा साफ करना है। और आज बहुत दिन के बाद कल से थोड़ा सा मौसम अच्छा, मेरे कम्बल वम्बल सब धो धुलाई कर दिए, इस तरह पूरा धुलाई कर दिया, सूख भी गया थोड़ा, सुबह जल्दी धो दिया था, धो गया। अच्छा लग रहा है आज मौसम, देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है आज। मेरे फूल भी खिला इतना सुंदर, रोज़ मेरे इस पेड़ में 4-5 फूल हो जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। चलो फिर अब देखते हैं, ये को ज़रा ठीक कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। मैं किचन सफा करके आ गई, किचन साफ़ होने के बाद मेरा डाइनिंग रूम पूरा साफ़ कर दिया, पूरा ऊपर झाड़ू लगा के पूरा फर्स्ट साफ़ सफाई करके, नीचे फ्रिज साफ़ कर लिया, डाइनिंग रूम पूरा साफ करके, यहाँ पूरे ये देखो ऐसे
मतलब हो गया था मेरा काफ़ी दिन अच्छे से सफाई नहीं है, सफाई तो रोज़ होती है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है ना, और फ्रिज भी पूरा साफ हो गया। देखो ऐसे में मसाले रखती हूँ, आजकल ये बहुत गंदे जल्दी गंदे हो जाते हैं ना मसाले, सीलन लग जाती है, तो मैं सब छोटे छोटे उसमें मसाले रखी हुई हूँ यहाँ पर। और डबल मैं भी मैंने ये देखो कितना खुश रखा मैंने, सब मसाले हो गया, मलाई बनाती हुई यहाँ, और ये देखो धनिया जीरा पाउडर सब यहाँ डाल रखा है, लौंग हो गया, पूरा ख़राब जाते हैं ना इसलिए देखो मैंने हल्दी सूजी का पैकेट सब मैंने यहाँ डाल दिए हैं इसके अंदर, मेरा ये भी सफाई हो गया। और डाइनिंग रूम देखो कितना अच्छा है, ये पौधा आप लोग के यहाँ भी मिलता है क्या? ये यहाँ से लोगों में मिलता है, ये लक्की प्लांट बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा पानी में ही होता है, थोड़ा सा पानी में ये पूरे यहाँ से पूरे इसकी कलियाँ फूटते रहती हैं, दो तो मेरी आ गई हैं और एक यहाँ से फूट रही, ये हो गया। तो इसी का मैं आप ये प्लांट का जो बड़ा साइज मैं आपको दिखाती हूँ वो ये है, ये इतना बड़ा हो गया, ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको भी थोड़ा सा पानी में रखा हुआ है मैंने, इतना बड़ा ये मैंने बाहर के रूम में रखा है और वो अंदर डाइनिंग रूम में रखा है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो पूरा काम हो गया है, शेयर कीजिए, सफाई करके बताना, दवाई डाली थी पूरे अंदर, मेरा सब ब्लॉग कैसा लगा? अभी मेरे को शांति मिला, मैं खाना खाती हूँ, आ जाओ आप लोग भी खाना खाओगे मेरे साथ।